आज बेबरू प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर माँ मड़ीडाई में कुछ महिलाएं व बच्चे पूजा अर्चना करने गए थे और वहीं पर बैठकर संकटा माता की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करने लगे। तभी मधुमक्खी के छत्ते को किसी ने छेड़ दिया जिसमें दर्जन भर बच्चे और महिला घायल हो गए। अरे हम लोग मड़ीदाई करने गए थे, एक संगठन का कार्यक्रम था बस, और आस पास और बहुत सारी औरतें खिला रही थी, सब लोग थे वहाँ पर। अचानक किसी बच्चे ने मार दिया मधुमक्खी के छत्ते पे, तो वहीं खूब सारी मधुमक्खियाँ सब इधर उधर फैल गई। कम से कम करीब 40-50 लोग घायल हो गए और हम लोग उसमें शामिल थे, तो क्योंकि हम भी सब लोगों को घायल हो गए। क्या नाम है आपका? ज्योति सोनी। कार्यक्रम चल रहा था मंदिर गई थी घर से कुछ लोग, वहाँ जो है कुछ अराजक तत्व जो है पत्थर मार दिए मच्छर में, तो मक्खियाँ सबको काटने लगी, सब भगदड़ मच गई, उसी में चोट आ गई जो है। कितने लोग काटा होगा? अब ये मान के चलिए कि कम से कम 10-15 लोग तो है, वो भी करेंगे जो है। अस्पताल में भर्ती कराए? हाँ, सरकारी अस्पताल में। मधुमक्खी के हमले से लोग घायल हो गए। मधुमक्खी लगभग एक दर्जन महिलाएं व बच्चों को बेबरू CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग करीब 11:15 बजे लगभग 20 लोग घायल अवस्था में आए, जिनको मक्खियों ने काट रखा था, जिनकी हालत बहुत खराब थी, और एक जिसमें बच्चा बहुत सीरियस था, तो उसको बांदा रिफर कर दिया गया, बाकी का इलाज चल रहा है। मंदिर के पुजारी ने इस बात पर खेद जताते हुए कहा, क्या हुआ है यहाँ पर? ये देवी जी का स्थान है, संकटा माता का। यहाँ बहुत सी औरतें जो है आकर के जो है देव माता की पूजा कर रही थी, संकटा माता की। यज्ञ करने से माताएं ने धुआं किया, उसी में बादलियों का छाता जो है बहुत भयंकर जो है, सभी माताएं या नाना छोटे बड़े बच्चे जो हैं वो बेचारे जो हैं बेहाल हो गए। यहाँ के भक्तगणों ने उन्हें बचाया, इतना हमने देखा हूँ। कहाँ लेके गए हैं यहाँ से? यहाँ से रोड की किनारे, रोड की तरफ वो भागी, सभी माताएं अपने बच्चे और पूजन की सामग्री छोड़ करके भागी, और जो जो बच्चे यहाँ से छोटे मोटे उनको हम सबको जो है बचाते जाते थे। SPN 9 न्यूज के लिए बांदा से शरद मिश्रा की रिपोर्ट।